सदातिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत् नहीं था असत् भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। हालांकि अकबर बाबर का पोता था मगर हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना असल में उसी ने की। अकबर के बाद मुगल बादशाहों का राजवंश भारतीय बन गया। कहते हैं कि महान पुरुषों में एक आकर्षण होता है जो लोगों को उनकी ओर खींचता है। अकबर में ये आकर्षण और दिल फरेबी बहुत ज्यादा मिकदार में थे। जेजुइट पादरियों ने एक बेहतरीन विवरण दिया है कि अकबर की आंखों में इतनी चमक थी जितनी धूप भरे समंदर में। फिर इसमें क्या ताज्जुब कि उसकी शख्सियत हमें आज भी लुभाती है और उसका शानदार और मर्दाना स्वरूप उन सबसे बुलंद है जो महज बादशाह कहलाए। लाहौर से राजा टोडरमल का खत है। सेहत खराब रहने लगी है, बाकी जिंदगी हरिद्वार में बिताने की इजाजत चाहते हैं। तो राजा टोडरमल दरबार से अलग होना चाहते हैं। उम्र का तकाजा है हुजूर। खाना आजम राजा बीरबल की मौत के बाद दरबार में एक अजीब सा खालीपन आ गया था जिसे भरने में काफी वक्त लगा और अब राजा टोडरमल हमें छोड़कर हरिद्वार में बसना चाहते हैं। उनसे कहिए कि सल्तनत को भी उनकी जरूरत है। खुदा के बंदों की खदमत खुदा की खदमत से कम नहीं। हजूर की बात वो नहीं टाल सकते। हमें भी इस बात का पूरा यकीन है। राजा मानसी की क्या खबर है? अजमेर से बंगाल कूच करने की तैयारी में। हुजूर, आपने मुझे याद फरमाया। मियां दानसिंह, आपकी मौसीकी से हमें बहुत राहत मिलती है। आज कुछ बेचैनी सी हो रही है, कुछ सुनाइए ना। जी हुजूर। दाता तू
तोरी जय जय कर दार मोरी बार दयाज जो ले दाता राग रंग सा गए हैं कर देना बार तोरी दर तोरी दर मोरी भर दाज जो ले फौरन हाकिम अली को बुलवाएं जी। बादशाह की तबीयत ठीक नहीं लगती, सहारा दीजिए। हुजूर शेखो शेखो बाबा हुजूर शेखो अब कैसा लग रहा है हुजूर? बेहद दर्द हो रहा, कहीं जहर तो नहीं? जहर? खुराक में तो कोई गड़बड़ नहीं? कह नहीं सकता हुजूर, जरा मेहरबानी करके आप पेट के बल लेट जाएं। जहर? मगर ऐसा कौन कर सकता है? शेखू, शेखू बाबा, अरे तुझे तख्त चाहिए था तो वैसे ही दे देता, ऐसा क्यों? कौन, क्या कह रहे हैं हुजूर आप? हुजूर शहजादा सलीम के बारे में बात कर रहे हैं। शहजादा सलीम? हाँ। आपने जो कुछ भी सुना वो किसी और के कानों तक न पहुंचे। जहर की कोई तासीर दिखाई नहीं दे रही। शहजादा सलीम तो इस वक्त अजमेर में है। हाँ है, मगर उनके आदमी हम पर नजर रखे हुए हैं। छोटे शहजादे मुराद पर भी गुजरात में नजर रखी जा रही है। अब हुजूर उन पर शक कर रहे हैं तो किस बात का था चुप? वैसे हुजूर अब बेहतर है, लगता है दवा ने असर किया है। हकीम अली, याद रहे ये बात बाहर ना पहुंचे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी बादशाह की बीमारी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करे, और खास तौर पर शहजादा सलीम। आप मुझ पे यकीन रखें जनाब। हाँ भाई, वो कल रात का जो आदमखोर शेर बड़ी गजब की चीज थी। मजा आ गया शिकार में। वाह वाह वाह, क्या जंगल है भाई। तुम कहाँ थे? मैं हुजूर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ गया जैसे शेर दहाड़ा और ये दुम दबाकर पेड़ पर चढ़ गया। वाह, आइए राजा मान सिंह, यहां तो आओ बेटा खुसरो। खैरियत तो है? क्या बात है, आप लोग तो यूं बुझे हुए हैं जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। क्या बात है राजा मानसिंह? हुजूर, आज आपने टुकड़ियों ने बंगाल की तरफ कूच करना था, पर अब तक तो कुछ भी तैयारी को नहीं हुई। राजा साहब, हमने अपना ख्याल बदल दिया है, अब हम बंगाल नहीं जा रहे हैं। हुजूर, बंगाल में हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, दिना दिन बगावत फैलती जावे है। जब आप मैंने पहले बता देते तो मैं जावरी तैयारी कर लेता।
तो अभी चले जाइए मानसिंह जी, इसमें बिगड़ा क्या है जनाब? हम तो यहीं रहेंगे आगरा के करीब, समझ गए ना आप? पर सलीम, बात सारी हालत में अब सुधार हो गया है। मतलब वो बीमार थे, इस बात की मुझे इतला तक नहीं की गई। सच सच बताइए क्या हुआ था उन्हें? पेट में घड़ों दर्द की बात सुनी थी, बड़ा भगवान की कृपा से पूरा आराम है। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आला हजरत सख्त बीमार थे और इस बात की मुझे खबर तक नहीं। खुदा न करे उन्हें कुछ हो जाता तो। ऐसे में तो मेरा आगरा के आसपास रहना बहुत जरूरी है, न जाने उन्हें कब मेरी जरूरत पड़ जाए। हुजूर, मगर मारा ख्याल तो यह है कि इर्स में आप बंगाल में उठ रही बगावत ने जाके रोकें, इर्स उन रहे चित्रों काफी शांति मिलेगी। राजा साहब, मैं कहां रहूं कहां नहीं इसका फैसला आप मुझ पे छोड़ दें तो बेहतर। बंगाल में उठ रही बगावत ने रोकनो है तो फौरन कूच की तैयारी कीजिए, साथ में मेरे बेटे खुसरो को भी ले जाइए। आपकी सोबत में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जनाब। पर शहजादा सलीम, शहजादा खुसरो ने तो मैं आगरा बादशाह सलामत रे पास भेजने की सोच रहा था। जनाब, मेरे पास फालतू बहस के लिए वक्त नहीं। खुसरो को अपने साथ ले जाइए, सियासत के तौर तरीके सिखाइए, बंगाल कूच की तैयारी कीजिए, समझ गए ना आप? जी जी हुजूर। आओ बेटा खुसरो। एक और मौका गया हाथ से। अल्लाह बेग, तुम्हारे आदमी आगरा में क्या कर रहे थे? बादशाह सलामत की बीमारी की अहम खबर हम तक नहीं पहुंची। हुजूर, लगता है बीमारी की बात पोशीदा रखी गई। तमान सिंह को कहां से पता चला? मैं तो उन्हें आगरा में भेजने की सोच रहे थे। क्यों? ताकि खुदा न करे आलम पनाह का इंतकाल हो जाए और खुसरो को तख्त पर बिठा दिया जाए, हमें बंगाल भेजकर हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया जाए। 30 बरस की उम्र है हमारी और हमें अभी तक तो ताज नसीब नहीं हुआ, ये कहां का इंसाफ है? आपका फैसला हर माने में सही है, अभी बंगाल ना जाकर आप यहीं सही मौके का इंतजार कर सकते हैं। यहां अजमेर में, यहां गुर्बत के सिवा रखा ही क्या है? हमें दौकत के लिए दौलत दरकार है जो यहां हासिल नहीं की जा सकती। अगर हम इलाहाबाद चलें, वहां हम बिहार की सारी मालगुजारी वसूल कर सकेंगे। बिल्कुल सही, इलाहाबाद मौजू जगह है। लेकिन हुजूर, आला हाकिम शाहबाज खान मौत के द्वारे खड़े हैं, एक और धनी का सहारा छूट जाएगा। वो नहीं मिले तो क्या, उनकी दौलत तो मिली जाएगी। मान सिंह के जाने के बाद फौरन हम कूच करेंगे। असद बेग, दक्खन के क्या हाल हैं? हुजूर, फतेह पाने का सही वक्त आ चुका है। वहां के हुक्मरान आपसी झगड़ों में उलझे, सल्तनतें कमजोर होती जा रही, गद्दी के जानशी के लिए भी काफी झगड़े हैं। हुजूर, अहमदनगर में गद्दी के 4 दावेदार उठ खड़े हुए हैं। हाल फिलहाल चांद बीवी ने आपसी रंजिश पर काबू पा लिया है, मगर हुजूर, कब क्या हो जाए कुछ नहीं मालूम। अबुल फजल, तुम्हारी क्या राय है? हुजूर, दक्कन के हुक्मरान मुगल सल्तनत के सामने झुकने को तैयार नहीं है। असद बेग की बात मानते हुए हमें फौरन अपनी फौजें वहां भेजनी चाहिए। शहजादा मुराद इस वक्त अहमदाबाद में है, मेरे ख्याल में वो फौज के सरपरस्त हो सकते हैं। ठीक है असद बेग, दक्कन में हमला सबसे पहले हमें अहमदनगर पर करना चाहिए, क्यों? जी हुजूर। शहजादा मुराद को पैगाम भिजवा दो, खान खाना अब्दुल रहीम उनके संगे बाजू रहेंगे। जी, अब आप जा सकते हैं। हुजूर, एक खास खबर और है। कहो। वो ये है कि शहजादा सलीम ने खत भेजकर पादरी जेवियर को अपने पास बुलवाया है, और हुजूर, वो खत इलाहाबाद से भेजा गया है। इलाहाबाद? जी हुजूर। सलीम इलाहाबाद में क्या कर रहा है? हमने उसे अजमेर में बने रहने के लिए कहा था, ये हुक्म दूली क्यों? हुजूर,
आपकी वालिदा मोहतरमा मरियम जनानी आगरे से 8 कोस दूर उनसे मुलाकात करने गई थी, वो ज्यादा बता सकती है। सलीम! मगर हुजूर, मेरी राय में शहजादा सलीम के साथ ज्यादा नरम दिली ठीक ना होगी। सलीम को कहलवा भेजो, अगर उसने हमारे हुक्म खिलाफ इलाहाबाद में बने रहने की कोशिश की तो वो हमें अपना बाप न समझे, और उसने कोई उल्टी सीधी मांग की तो उसकी भी इत्तला हमें फौरन की जाए। हुजूर आला हजरत तशरीफ ला रहे हैं। खानुम तस्लीम। तस्लीम। खानुम, आप सलीम से मिलने गई थी? हाँ। लेकिन क्यों? आप तो जानती हैं कि हम उससे सख्त नाराज हैं, आपके इन्हीं चौचड़ों ने और बिगाड़ दिया उसे। हम अपने पोते से जब चाहे मिल सकते हैं, तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार ना हो मगर हम उसे चाहते हैं, प्यार से क्यों महरूम रहे? खानुम, वो हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रहा है। मुमकिन है, मगर वो हमारा पोता है, हमारा खून है। खानुम, खानुम, हम कुछ नहीं कहेंगे, फिर बताइए उसके मंसूबे क्या हैं? हमको तो कुछ बताता ही नहीं। उसने मुझसे भी कुछ नहीं कहा। फिर भी कुछ तो कहा होगा, हमारे लिए उसके मंसूबे जानना बहुत जरूरी है। क्या कहा उसने? खानुम, खानुम। मासा बहुत दुखी है, मासा शेखू बाबा से मिलने के खातिर गया है मगर शेखू बाबा मिला नहीं, मुलाकात नहीं की। क्या, मुलाकात नहीं की? हाँ, शेखू बाबा के खेमे की तरफ पहुंचकर मैंने खबर भेजी कि मैं आ रही हूँ, मगर जब मैं वहां पहुंची तो खेमा थोड़ा जा रहा था। उसके खादिम ने बताया कि जैसे ही सलीम ने सुना कि मैं आ रही हूँ फौरन कूच कर गया। फिर भी आप उसकी तरफदारी करती हैं, आप नहीं जानती वो कि वो अपने मामू के साथ किस तरह पेश आता है। कभी सोचा आपने कि वो इतना बिगड़ क्यों गया है? काश वो अपने बेटे खुसरो की तरह नेक और शरीफ इंसान होता। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब आगे बात ना बढ़ाओ। शेखू बाबा ही तुम्हारा वारिस है, खुसरो नहीं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हुकुम, सलीम बना रे बर्ताव में जो गुरु रायो है उनकी वजह आप भी हैं। मुराद और दानियाल रितुल्ला में आपने हमेशा सलीम बनारी तरफदारी की और वहां की सारी गलतियां ने नजरअंदाज कर दिया। और आप? जोधा भाई की बातें कुछ मतलब नहीं रखती। जोधा भाई की तहजीब उन्हें अपने बेटे के हक में कुछ भी कहने की इजाजत नहीं देती। सलीम को थोड़ा वक्त दिया जाए, मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने रास्ते बदल देगा। तो आपका मतलब है कि मुराद और दानियाल की तुलना में हमने सलीम की ज्यादा तरफदारी की? हुँ? पर वो दोनों सलीम से किस बात पर बेहतर निकले? मुराद को दक्कन भेजा तो वहां से पास हलारों से झगड़ा करने लग गया, और दानियाल महल में बैठा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, किसका जिक्र करते हुए भी शर्म आती है हमें। पता नहीं कहां और किस बात में कमी रह गई। हमने तो हर खुशियां मुहैया की, अच्छे से अच्छे उस्ताद दिलाए उन्हें, जो उन्होंने कहा वो दिया, फिर भी वो इतने बद निकले। हुकुम, आपकी गलती यह है कि आपने वहां की सारी इच्छाएं बड़ी आसानी से पूरी कर दी। हुजूर, कौन है? ओ, तुम? कहिए अब्दुल रहीम। माफ कीजिए हुजूर, हमने आज अहमदनगर कूच करना तय किया था, टुकड़ियां तैयार खड़ी आपका इंतजार कर रही हैं। नहीं, हमारा ख्याल बदल गया है, हम आज कूच नहीं करेंगे। लेकिन हुजूर, इससे पहले कि गोलकुंडा और बीजापुर की फौज चांद बीबी की मदद के लिए पहुंचे, हमारा अहमदनगर पर हमला करना बहुत जरूरी है। वो नहीं पहुंचेंगे, खान देश की लड़ाई के बाद उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो पहुंच जाएं। मगर हुजूर, फिर भी मेरी एक इल्तिजा है कि हमें फौरन से पेशकर कूच कर देना चाहिए।
बादशाह सलामत भी हमारी कूच की रफ्तार से कोई ज्यादा खुश नहीं है, और उन्होंने हमें फौरन आगरा बुलाने के लिए एलची भी भेज दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है अब्दुल रहीम। अगर तुम हर कदम पर हमारी मुखालफत ना करते तो अब तक हम सारे दक्षिण पर फतेह हासिल कर चुके होते, मगर तुमने। माफ कीजिएगा हुजूर, मैंने हमेशा वही किया जिससे आपको फायदा हो। बेवकूफ, तुमने हमेशा वही किया जिससे दक्षिणी सुल्तानों का फायदा हो। तुमने जानबूझकर वो काम किया जिसकी वजह से हम कामयाब ना हो सके, और सब इसलिए कि तुम भी उसी मजहबी फिरके से ताल्लुक रखते हो जिससे कि वो दक्षिणी सुल्तान। हमें और बेवकूफ मत बनाओ अब्दुल रहीम, तुम्हारी बातों से तुम्हारी हरकतों से साफ साफ जाहिर होता है कि तुम किसके साथ हो। अब हमें तुम पर खता ही भरोसा नहीं है, समझे? कुरान पाक की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने कभी आपके साथ दगाबाजी नहीं की, और अगर फिर भी आपको मेरी जात पर यकीन नहीं है तो मैं अभी अभी हम लोग यहां से आगरा लौट चलते हैं। नहीं, और बादशाह हुजूर इस बात का फैसला करेंगे कि क्या कभी मैंने आपके और उनके लिए किसी किस्म का मैल अपने दिल में रखा। नहीं नहीं, हम आगरा वापस नहीं जाना चाहते। बादशाह हमारी बात पर यकीन ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि हम झूठे सबूत पेश कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम ये नहीं चाहते। लेकिन हम करें क्या? बस अब एक यही चीज बची है जो हमें ताकत देती है। हम बादशाह हुजूर को यकीन दिलाना चाहते थे कि हम गद्दी नशीं होने के लिए सलीम से कहीं ज्यादा काबिल हैं, मगर क्या करें, सारे सारे ख्वाब खत्म हो गए। हुजूर, मैं उस एलची को क्या जवाब दूं? जैसा चाहो वैसा पैगाम भेजो, पर खुदा के लिए हमें तनहा छोड़ दो। अब हमें किसी बात की कोई परवाह नहीं है, हमें किसी की भी कोई परवाह नहीं है। फजल, अब फैजी की तबीयत कैसी है? लगता है मौत के करीब है, बस सुबह से बेहोश। तुमने हमें पहले क्यों नहीं इतला की? हाकिम अली, अभी कुछ हो सकता है? हुजूर, धड़कन बंद पड़ गई है, अब तो खुदा ही मददगार हो सकता है। एक और अजीज दोस्त हमसे विदा ले रहा है, हमें उसकी कमी हमेशा महसूस होगी। हुजूर, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। फजल, हम तुमसे कुछ मदद चाहेंगे। हुक्म करें हुजूर। तुम दक्षिण जाओगे और वहां से शहजादा मेवात को वापस लेकर आओगे। हमारे बुलावे का तो उसने कोई ख्याल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। लोग कहते हैं वो दिन रात शराब में डूबा रहता है, शायद हमारे सामने आने पर वो खौफ खाता हो, पर तुम उससे कहना हम उससे नाराज नहीं है, बिल्कुल नाराज नहीं है। तुम उसे यहां ले आओ, हम उसे शराब की लत से बाहर आने में मदद करेंगे, वो तुम्हारी बात जरूर मानेगा, मुझे यकीन है। जाओगे ना? जरूर जहांपनाह, जरूर। कैसे आऊं तोरे मिलन रे, कैसे आऊं तोरे मिलन रे, पायल बांध मुरे जान जरो प्यार, पायल बांध सनी धनी दम गम दम गम गम, पायल बांध मुरे जान जरो प्यार,
dani dani dama gama dama gama gare da dani dare gare dani da gama dani ni dama dani dama gama dani dare gare dani 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 dama gare da gama dani da dani dani dama gama gama dani da dani dani dama gare da gama dani da paala vaande more daanjaro pyaare paala va gama dani da dani da gama gare da dani dama gama dani dare gare dani 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 dama gare da gama dani da dani dama gama gare da dani da dani da daanjaro pyaare paala vaande more daanjaro pyaare जाग रही मोरी सासन नदिया जाग रही gama gare da tani dare gare da ni da gama da ni ni da ma da ni da ma gama da ni gare gare da ni da ni da ni da ni da ma ga da gama da ni da da ni da ni da ma ga da gama da ni da da ni da ni da ma ga da gama da ni da tani da ni da ma gama da ma gama gare da tani dare gare da ni da gama da ni ni da ma da ni da ma gama da ni tani gare da ni da ni da ma ga da gama da ni da tani da ni da ma ga da gama da ni da tani da ni da ma ga da gama da ni da tani da ni da ma gama da ma gama gare da tani dare gare da ni da gama da ni ni da ma da ni da ma gama da ni tani gare da ni da ni da ni da ma ga da gama da ni da tani da ni da ma ga da gama da ni da tani da ni da ma ga da gama da ni da da ni da ma ga da gama da ni da जाग रही मोरी सासन नदिया पिया डर लागत रैन अंधेरी पिया डर लागत रैन अंधेरी पायल बांधू मोरे डांजर करे पायल बांधू मोरे डांजर करे कैसे आऊं तोरे मिलन रे कैसे आऊं तोरे मिलन रे पायल बांधू पायल बांधू वाह बहुत खूब। क्या बात है अजीज को का? हुजूर बुरी खबर है, शहजादा मुराद नहीं रहे। दखन से अभी अभी जनाब अबुल फजल का एलची ये मनहूस खबर लेकर आया है। हुजूर जनाब अबुल फजल ने यह खबर भेजी है कि फौज की हिम्मत टूट चुकी है, अब उन्हें सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। अजीज अबुल फजल को संदेशा भेजो कि वो दक्कन में ही रहें और फिलहाल वहां की मुहिम की देखभाल करें, और सलीम को इलाहाबाद में खबर भेज दो कि वो फौरन दक्कन को कूच करे ताकि फजल वापस लौट सके। आप लोग जा सकते हैं। हुकुम आपका पता दिया, मैं तो खबर ही कोनी पड़ी। हम आपकी पूजा में खलल नहीं डालना चाहते थे। हम आपको कुछ दिखाने लाए हैं। दानियाल मुराद बेचारी सलीमा बेगम माँ को तो दिल ही टूट गयो, पर मारी के मुराद युद्ध मैदान में शहीद हो जाता तो कोई दुखरी ऐसी बात नहीं थी, पर बेटा री शराब की वजह से मृत्यु। इसीलिए मुराद की तस्वीर हमने खास तौर से उनके लिए बनवाई है ताकि उन्हें कोई तसल्ली मिल सके। जरूर हम दानियाल को दक्कन भेज रहे हैं ताकि ये मुराद की जगह ले सके। दानियाल पणुकुम सलीम रे दक्कन जावारी बात ही नहीं, दानियाल दक्कन जाएगा। हमने फजल को कहलवा भेजा है, वो तब तक अहमदनगर पर हमला ना करे
जब तक दानियाल वहां ना पहुंच जाए। हमारी दिली ख्वाहिश है कि दानियाल के जरे हुक्म हमारी फौज फतेह हासिल करे। दानियाल काफी जोश में है, क्यों दानियाल? जी हाँ आला हजरत, ये आपसे आशीर्वाद लेने आया है। जी उतारो बेटा, युद्ध से विजयी और पधार जाओ। मैंने महसूस हुए कि दानियाल दखन को न जा बचाए, फिर सलीम ने दखन जा बारी बात थी। मगर वो है कहां? जहां भी उसे फौज लेकर पहुंचने का हुक्म दिया वहां तो पहुंचा नहीं, बल्कि एलची भेज दिया। क्यों? वो अपनी 70,000 फौजों के साथ आगरा आना चाहता है। इतनी बड़ी फौज को लेकर यहां आने की इजाजत उसे कैसे दे सकते हैं? हमें उस पर कतई यकीन नहीं। सारा सी झड़प लड़ाई में तब्दील हो सकती है, ये सब उसके दोस्तों की साजिश है, उन्होंने उसके दिमाग में जहर घोला है। हुकुम, सलीम कोई बच्चा तो नहीं जो उन्हें कोई गुमराह कर सके? काश ऐसा होता। सलीम ने आपकी बात को ना मानी, ई वास्ते आप उन्हें धक्कन नहीं भेज रहे हो। ये बात जानता हुआ भी कि दानियाल युद्ध संचालन के काबिल नहीं। लेकिन वहां अबुल फजल भी तो हैं। वाह खूब, हमने अहमद नगर पर फतेह पा ही ली। बहुत अरसे के बाद कोई अच्छी खबर सुनी है। अजीज, एक शानदार जलसे का इंतजाम किया जाए। एक खुशखबरी और है आलीजा। तो देर किस बात की? अहमद नगर के किले पर शहजादे दानियाल का कब्जा है और जनाब अबुल फजल ने कुछ और फौजी टुकड़ियों की मांग की। खाने खाना वो हम आप पर छोड़ते हैं, पर अब हम आगरे में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने में कोई तुक नहीं समझते। हम दक्कन जाएंगे। जिस मुहिम की ऐसी शानदार शुरुआत हमारे बहादुर बेटे ने की है, उसे अंजाम देना हम अपना फर्ज समझते हैं। क्यों? बेशक हुजूर। खाने खाना, असीरगढ़ किले के अंदर चलें? अभी नहीं हुजूर, सफाई होने दीजिए। मैं सुबह खुद किले के अंदर गया था, लाशें जहां तहां फूली और सड़ी पड़ी हैं। हमारे सिपाहियों ने कहर बरपा किया हुजूर। अगर पुर्तगाली तोपची भी साथ में होते तो चढ़ाई का कुछ और ही मजा होता, लेकिन पुर्तगाली हुक्मरानों से हमारे लिए आपके महबूब पादरियों ने सिफारिश करने से साफ इनकार कर दिया हुजूर। इसलिए तो हम कहते हैं कि किसी से ज्यादा उम्मीद करना ठीक नहीं, इससे मायूसी नहीं होती। आगरे से खाना आजम मियां अजीज कोका का खत है। पढ़िए। लिखते हैं, शहजादे सलीम बड़ी तादाद में घुड़सवार फौज के साथ लड़ाई का मंसूबा लेकर आगरे की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने फौरन आपसे आगरे आने की इल्तिजा की। उन्होंने कुछ सिक्के भी भेजे हैं जो इलाहाबाद से मिले हैं, इन्हें शहजादे सलीम के नाम से जारी किया गया। सलीम अपनी हद से बाहर जा चुका है, हम उसकी बेडब और खुदगर्ज हरकतों से तंग आ चुके हैं, उसे रास्ते पर लाना ही पड़ेगा। असद, तुम सलीम के पास जाओ और उससे कहो कि हमें बाबर खानदान के पाक उसूलों की हिफाजत के लिए अगर अपने बेटे के सामने भी खड़ा होना पड़ा तो हम उससे अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा समझेंगे। और उससे ये भी कहना, अगर हिफाजत चाहता है तो इलाहाबाद वापस लौट जाए। जी हुजूर। और अबुल फजल को कहलवा भेजो कि वो आगरा लौट आए। हम चाहते हैं कि जब हम सलीम से मुकाबला करें तो हमारे साथ रहें। अब हम देखते हैं कि बागी शहजादा हमारे सामने कैसे टिक पाता है। आगरा से हम सिर्फ 4 कोस दूर हैं। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्या आप में बादशाह हुजूर के खिलाफ लड़ने की हिम्मत है? मुझ में तो नहीं। अब अगर हम पीछे हटते हैं तो ये तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपनी हार कबूल कर लेने वाली बात होगी। तुम हमेशा बेवकूफी की बात करते हो अल्लाह बेग। तुम्हारी बहादुरी का कोई मानी ही नहीं जबकि मैदान जंग में तुम्हारी लाश मिलेगी। बादशाह सलामत की किसी भी जंग में शिकस्त नहीं हुई तो कोई वजह नहीं कि वो ये जंग भी नहीं जीतेंगे। अबुल फजल के आगरा पहुंचते ही हालात और बिगड़ जाएंगे। हो सकता है वो बादशाह को हम पर हमले की सलाह दे। वही मेरा दुश्मन है, सबसे खतरनाक आदमी वो, इसलिए कि बादशाह सलामत उसकी हर बात मानते हैं। और अगर अबुल फजल आगरा पहुंच ही ना पाए तो
मतलब दक्षिण से आने वाला रास्ता हमारे राज्य से होकर निकलता है। अगर हम रास्ते में ही अबुल फजल को और बादशाह वैसे भी आपको माफ करने से रहे, फिर क्यों ना मुझे मुझे माफी दरकार नहीं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बादशाह सलामत मुझे अपना जानशीन ऐलान करे। तब तो बादशाह से लड़ने से ज्यादा जरूरी है अबुल फजल को खत्म करना। ऐसा ही करना चाहिए। तुम फौरन फौज को इलाहाबाद लौटने का हुक्म जारी करो। ऐसा लगना चाहिए कि हम बादशाह सलामत के हुक्म की तामील कर रहे हैं। इसी से उनके दिल में हमारी जगह बनेगी। गदई खान, बादशाह ने मुझे फौरन बुलवाया है और हम लंबा घूमकर आगरा पहुंचने के हक में नहीं हैं। मगर ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पूरी हिफाजत के साथ आगरा पहुंचाऊं। अभी मेरी बात मान ले और ये आम रास्ता छोड़ दें। कुछ भी हो, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं आपसे कितनी बार अर्ज करियो हो कि सलीम ने इतनी आजादी मत दो। जोधा भाई, हमें पहले ही आपकी बात सुननी चाहिए थी। अब तो उस कमबख्त को अपना बेटा कहते हमें शर्म आती है। अबुल फजल की हत्या के बाद मैं भी उनसे नफरत करवा लगी हूँ। उनने जो आप संग बुरो बर्ताव करियो है वो भी जग जाहिर है, लेकिन हुजूर इतनी घृणा और नफरत ठीक नहीं है। छोटा री गलती माफ करवा में बड़प्पन है। हम उसे कभी माफ नहीं कर सकते। उसकी बेरहमी और बदसलूकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नई नई रोज खबरें आ रही हैं। जानती है उसके नए शौक क्या हैं? वो शराब पीता है और जिंदा आदमी की खाल उतरते हुए देखते बैठा रहता है। ये हो गई उसकी हालत। इसके बाद भी आपको कुछ कहना है? मेरा ख्याल है कि वो किसी गहरी तकलीफ में है। वो आगरा वापस आना चाहता है, आपसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगना चाहता है। आपकी बेरुखी उसे दीवाना बनाती जा रही है। हमने कभी उसके साथ बुरा बर्ताव किया है? अरे वो ऐसा इंसान ही नहीं है जो मोहब्बत और नफरत को समझ सके।
हम तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बस आपका यही बर्ताव तो उसे बुरे रास्ते पर लेते जा रहा है। आप हमेशा सलीम की बुराई करते रहते हैं और उसके बेटे खुसरो को सिर आंखों पर बिठाए रखते हैं। मेहरबानी करके ऐसा ना करें, बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा करना ठीक नहीं। अब भी सलीम को वापस बुलवा लें, एक ही तो बेटे रह गए हैं आपके। और दानियाल? दानियाल के बारे में जो कुछ सुना है क्या ठीक है? हाँ, उसने भी आगरा लौटने से इनकार कर दिया है। उसे भी शराब की लत पड़ गई है, वो भी पी पी कर मरा जा रहा है। हमने हुक्म भेज दिया है कि उसे शराब ना दी जाए। हुकुम, आपा सलीम ने नहीं खो सका, इसे पहले कि देर हो, हुकुम आप उन्हें वापस बुला लो। नहीं जोधा भाई, हमें नहीं लगता कि हम सलीम को कभी माफ कर सकेंगे। नहीं, मोहब्बत हजार शराब पीने वाले हाथियों से ज्यादा ताकतवर होती है, और मुझे पूरा यकीन है आखिरकार रिश्तों की सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। हुकुम, बुला लो हुकुम। तो ठीक है, आप उसे पैगाम भेजिए कि वो लौट आए, उसे यहां आने की इजाजत है। पर हां, उसके तमाम घुड़सवार शहर की हद के बाहर रहेंगे, वो अकेला हमारे सामने आएगा। बुज़दिल, 70,000 घुड़सवार सिपाहियों को लेकर तुम आगरा तक आए और तुम में लड़ने की हिम्मत तक नहीं हुई? तुम अपने आप को मर्द कहते हो? मगर आपने, आप चाहते थे कि हम आपको लड़ने के लिए न्योता देते, किले के दरवाजे खोल देते और कहते कि आइए तख्त पर बैठ जाइए। इतना सा मुंह लेकर तुम दरबार में आकर खड़े हो गए। अरे इसी बलबूते पर तुम लड़ने के लिए आए थे। देखो, शराब और अफीम ने तुम्हारे दिमाग को खराब कर दिया है, तुम बर्बाद हो चुके हो। कितने न्योते भेजे हमने तुम्हें, कितने समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमेशा अनसुनी की, हमेशा हुक्म दुरी की हमारी, और अपने नालायक साथियों के कहने पर अपने बाप के खिलाफ बगावत करने पर तैयार हो गए। और तो और, हमारे अजीज दोस्त फजल तक को नहीं छोड़ा तुमने? कान खोल कर सुन लो, आज से तुम्हारी शराब और अफीम बिल्कुल बंद। हम तुम्हें ताले में बंद करके रखेंगे और हम देखेंगे कि तुम इस नशे की लत से बाहर कैसे नहीं आते। मेहरबानी करके ऐसा न कीजिए, मुझ पे रहम कीजिए। तुम आगरा आना चाहते थे ना, अब आ गए हो, वही होगा जो हम चाहेंगे, समझे? हम तुम्हारी फौजों पर पाबंदी लगा देंगे और तुम्हारे नालायक साथियों को अच्छा सबक सिखाएंगे, समझे?
कौन है? कौन है वहां? मुर्शीद कुली? जी हुजूर। मुर्शीद, शराब मिली? बहुत जोखिम है। खाने खाना को अगर पता लगा कि आपने शराब पी है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पक पक बंद कर अपनी। अरे मेरी बंदूक तेरे पास है? तब तो तू जरूर शराब लेकर आया। पिला पिला, जल्दी कर। बंदूक की नली में जमा बारूद शराब में मिल गया लगता है। बेवकूफ, क्या खूब खुशबू है, इससे बेहतर शराब शायद ही कभी मिले। शहजादे, 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 बचाओ, कोई है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। दानियाल, हमारा बस एक ही बेटा बाकी बचा है, शेखू बाबा, उसे आजाद कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तबाह हो जाए। सलीमा, आप रोशन दिमाग हैं, आप खुद समझ सकती हैं कि शेखू बाबा को कोई और नहीं, वो खुद अपने आप को तबाह कर रहा है। हमारी कोई ख्वाहिश नहीं कि हम उसके या अपने मुकद्दर से लड़ें, बस एक उम्मीद थी कि कम से कम एक ऐसा बेटा होता जो समझ सकता कि अपने दौर में उसके वालिद ने क्या क्या किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम अपने अजीजों से ही हार गए, अब कोई लड़ाई बाकी नहीं रही, अब तो जो भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ता। भला अब और कितनी दवा दी जाए, उनके जिस्म में रोग से लड़ने की ताकत ही नहीं रही। अबुल फजल, हुजूर अबू फजल को याद कर रहे हैं। हुजूर, दर्द से हार न माने। दुखरा साहब कहनो पड़ रहे हो है कि बादशाह हुजूर मौत रे करीब पहुंच गए है। शाही हकीम जनाब हाकिम अली रो कहनो है कि कोई भी क्षण उनरे प्राण पखेड़ू हो सके। शहजादा दानियाल री मृत्यु से उन्हें गहरो आघात पहुंचो है और यही उनरी बीमारी का कारण बनियो है। हाकिम अली रो ये भी कहनो है कि अब उनमें जीवन री इच्छा कोई नहीं रही। इन वास्ते हमें भविष्य रे बारे में सोचना चाहिए। शहजादा सलीम रा चाल चलन तो जाहिर है, हम सब ने यह भी मालूम है कि बादशाह उन पर भरोसा को नहीं करे। इस वास्ते मैं इस सभा में प्रस्ताव रखी हूं कि शहजादा खुसरो ने ही गद्दी पर बिठाए हो जाए। राजा मानसिंह, शहजादा सलीम के जीते जी उसके बेटे खुसरो को तख्त नशीं किया जाए, यह चुगताई तातार के कायदे के खिलाफ है, ऐसा नहीं हो सकता। शेख बुखारी, क्या आप नहीं समझते कि गद्दी के लिए खुसरो शहजादे सलीम से ज्यादा काबिल है? शहजादा सलीम के साथ हम सब हैं।
घने कमाल ना दाता। रामदास के बात हुई? सिपाहियों ने शहजादा सलीम रा वास्ते शाही खजाना पे कब्जा कर लियो। मानसिंह, हमारा मशवरा है कि आप शहजादा खुसरो के साथ जल्द से जल्द दारुल सल्तनत छोड़ दें। अब ये जगह आप दोनों के लिए महफूज नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुजूर, आखिरी वक्त में अब खुदा का नाम लें, अपने गुनाहों के लिए माफी मांग लें। हुजूर, शहजादा सलीम हमारे साथ चलें। कहां? बादशाह हुजूर के पास। कोई खतरा तो नहीं? जी नहीं, आपका हक छीनने वालों की शिकस्त हो चुकी है। राजा मानसिंह और खुसरो दारुल सल्तनत छोड़कर भाग गए। लेकिन इससे पहले कि आगे की कार्रवाई हो, आपको यकीन देना होगा कि मजहब की तरक्की के लिए आप काम करेंगे और अपने दुश्मन मानसिंह और बेटे खुसरो से किसी भी किस्म का बदला नहीं लेंगे। वादा है ना? हाँ हुजूर, शहजादा सलीम आए हैं। Oh,
करीब 50 साल तक अकबर ने हिंदुस्तान पर राज किया। 1556 ईस्वी की शुरुआत से लेकर 1605 ईस्वी के अंत तक। अकबर का नाम भारत के इतिहास में नुमाया है और कहीं कुछ बातों में वो हमें अशोक की याद दिलाता है। अजीब बात है कि ईसा के 300 साल पहले का एक बौद्ध सम्राट और ईसा से 1600 साल बाद का एक मुसलमान बादशाह दोनों एक ही तर्ज और तकरीबन एक ही आवाज में बोलते हों। शायद ये खुद भारत की आवाज है जो अपने महान पुत्रों के माध्यम से बोल रही हो। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि देकर। जिसके बल पर तेजो मय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहू जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।